Welcome you to online class of PBS International School. You are hearing Ankush Srivastav and I am here to teach you about computer. And today's our topic is formula and function. In this video, you are going to learn some basic concepts related to formula and functions in MS Excel. And in the last, we are going to perform some practical so to make you better understand. Okay, so let's get started. Now when you are going to open MS Excel on your desktop, it will look like this. जब आप MS Excel अपने desktop पे खोलेंगे वो कुछ इस तरह दिखाई देगा. MS Excel page has various components in it. एक जो MS Excel का page होता है उसमें बहुत सारे components होते हैं, as you can see on your screens that are denoted by red lines and red boxes. Okay, like at the top there is title bar. On the top left there are quick access toolbar, this is office button, this is long horizontal, left hand side is name box, on right hand side this is your formula bar, and this is rectangular box is called cell, and the numbers which you can see on your left hand side screen are called row, and the alphabets which you can see on type is called column heading. By default there are 3 sheets available and many more, right? So I just want to make you see ki how does your Excel look like and how you are going to enter formula and function. Okay, so let's get started. So first of all, we should know what is formula. Formula kya hai? Formula are equations. Formula equations hote hain jo calculation perform karte hain. कहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग वर्कशीट में एंटर करेंगे. गेटिंग वर्कशीट क्या होती है, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया ना, ये क्या है, पूरी वर्कशीट है, और ये जो सेल्स देख रहे हो ना, इसी में हम लोग वैल्यू को एंटर करेंगे, राइट. सो फॉर्मूला क्या करता है, ये जो वैल्यूज़ को हमने एंटर की है उस पर वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है. गेटिंग इट? सो पहला पॉइंट, फॉर्मूला डज व्हाट, फॉर्मूला परफॉर्म्स कैलकुलेशन ऑन द वैल्यूज इन द वर्कशीट. सेकेंडली, कीप इन माइंड a formula always start with an equal sign. Doesn't matter which calculation you are performing, you have to enter an equal sign. What? Here. आपसे ये मतलब नहीं कि आप किस तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो. अगर आप फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हो तो यू हैव टू एंटर इक्वल साइन. सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आपने बिना इक्वल का साइन लगाए हुए फॉर्मूला यूज़ कर लिया, देन दैट थिंग विल नॉट कंसिडर एज अ फॉर्मूला. वो फिर उसको एक टेस्ट की तरह ट्रीट करेगा और आपकी वैल्यू पर फिर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा. गेटिंग इट? एंड नेक्स्ट पॉइंट, अ फॉर्मूला इस्टेब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स. एक जो फॉर्मूला होता है वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में. आई होप इतना समझ में आया होगा. मूविंग ऑन, नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मूला. एक फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. अ फॉर्मूला इन एक्सेल में कंटेन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग. एक जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर सेल रेफरेंस हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, एंड फंक्शन हो सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर्मूला कंटेन ऑल दीज. ये जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला है वो ये सब कंटेन करे. इट कैन कंटेन टू थ्री और ऑल ऑफ देम. ठीक है, ओके. So let's go through one by one. First of all, we should know what is cell reference. They are the address of the cells containing the values to be used in calculation, such as A1 single cell, A1 to P2 range of cell. ठीक, simply cell references are what address of cell containing. जैसे हमने आपको sheet पर दिखाया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा cells थे, कौन से सेल को ऐड करना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स थे, राइट. तो कौन से सेल्स को ऐड करना है उनका आपको बताना तो पड़ेगा, वरना एक्सेल कैसे ऐड करेगा. तो वो जो आप उनका नाम बताते हैं या जो उनका एड्रेस बताते हैं फॉर्मूला में, हमेशा याद रखिएगा हम लोग वहाँ पे सेल एड्रेस लिखते हैं, जो वैल्यूज़ नहीं लिखते हैं. इसको भी हम आगे बताएंगे. सो सेल रेफरेंस पहले समझ लेते हैं. सिंपल ये एड्रेस बताता है. क्या बताता है? एड्रेस बताता है कि कहाँ पर है वो, राइट. सेकेंड थिंग इज ऑपरेटर. ऑपरेटर टेलर्स की वॉट काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, राइट. आप कौन सा कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, आप एडिशन करने जा रहे हो, आप सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हो, ये बताता है, राइट. थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट. दे आर द नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज
दैट कैन बी इंटर डायरेक्टली इन अ फॉर्मूला। ये वो नंबर्स होते हैं या टेक्स्ट होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। गेटिंग इट? जैसे एग्जांपल के लिए 12 या जोसेफ लिखना है तो वी कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट वन इज फंक्शन। फंक्शन आर दे आर बिल्ट इन फॉर्मूला। ये पहले से ही फॉर्मूला बने होते हैं, बस उनको हमें क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। जैसे आप लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे सम, एवरेज, ये सब फॉर्मूला वहाँ पे पहले से रखे हुए हैं, हमको बस जाके क्या करना होता है, उनको यूज़ करना होता है। गेटिंग इट? आई होप इतना समझ में आया होगा। मूविंग ऑन। ओके, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिखाया, जैसे सबसे पहले हमने बताया था अगर फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो यू हैव टू पुट एन इक्वल साइन, विदाउट दैट दैट एक्सप्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्मूला। अगर आपने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है तो ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है इसको फॉर्मूला ट्रीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 112 क्या है, कांस्टेंट है। ये प्लस का जो साइन दिख रहा है ये आपका ऑपरेटर है। यहाँ पे जो A1 है ये क्या बता रहा है, सेल रेफरेंस, मतलब सेल एड्रेस बता रहा है कि हाँ A1 पे है ये। गेटिंग इट? सो वी कैन से फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन कांस्टेंट, सेल रेफरेंसेस, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। हम बोल सकते हैं फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कांस्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, सेल रेफरेंसेस होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं। गेटिंग इट? मूविंग ऑन। ओके, अब फॉर्मूला टाइप की बात करें तो फॉर्मूला एमएस एक्सेल में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है कंपाउंड, राइट। सो पहले बेसिक के बारे में जान लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व्स ओनली वन टाइप ऑपरेटर। जो बेसिक का फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ एक तरह का ऑपरेटर होगा। दैट मीन्स अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिशन करेंगे, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक। कंपाउंड में क्या होगा, ऐसे फॉर्मूला जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हों, जैसे उसमें एडिशन भी हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा हो, डिवीज़न भी हो रहा हो, तो दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला आर नोन एज कंपाउंड फॉर्मूला। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं, राइट। एक चीज़ और होती है टेक्स्ट फार्मूला, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट में वी कैन परफॉर्म ओनली वन काइंड ऑफ ऑपरेटर, दैट इज एडिशन। गेटिंग इट? उसमें सिर्फ एक तरह का ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। सो मूविंग ऑन। ओके, यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला, हियर यू कैन सी वी कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। गेटिंग इट? कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप पे हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड कीप इन माइंड यू हैव टू यूज सिंबल दिस, एंड सिंबल आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एडिशन के लिए, विदाउट दिस वो पॉसिबल नहीं होगा। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज रेंज। इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अ रेंज इज अ कलेक्शन ऑफ सेल। रेंज सिंपली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेल, ठीक है। मान लो आपने एक एक्सेल खोला, उसमें आपने डेटा लिखना स्टार्ट किया। सपोज करो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके इंग्लिश के मार्क्स आपको लिखने हैं, तो आपने पूरे लिख दिए। अब आपको टोटल करना है, तो वन सेल वन से लिखना स्टार्ट किया होगा, सेल 20 तक गए होंगे आप, तो वन से लेके 20 तक पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। क्या बोला जाएगा, रेंज। और ज़रूरी नहीं है कि रेंज में 10-20, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अ रेंज कैन बी 2, दो भी हो सकता है, या दो से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो सेल्स आप सेलेक्ट करो वो एडजेसेंट हो, एक दूसरे के आस ही पास हो, ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ रेंज। अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट कर रहे हो तो आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो। देख लो रेंज कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यू कैन सी ऑन स्क्रीन, यहाँ पे आप डेटा इंटर करोगे, राइट। सो 2, 3, 4, 5 जो भी डेटा इंटर करोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज, एंड वी कैन से दिस इज व्हाट, वर्टिकल रेंज, एंड दिस इज व्हाट, वन सेल, टू सेल, थ्री सेल, यू सेलेक्टेड थ्री सेल्स ना, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज व्हाट, ऑल्टरनेट्स, एंड दिस इज मोर देन। सो दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ रेंजेस विच यू कैन सेलेक्ट। इन ऑल ऑफ दीज यू कैन सी दैट यू आर सेलेक्टिंग मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा सेल आप सेलेक्ट कर रहे हो, दैट इज यू आर क्रिएटिंग अ रेंज। गेटिंग इट? ओके, मूविंग ऑन। नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस एज वेल ऑल्सो, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ रेफरेंसेस, कितने तरह के रेफरेंस होते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विच कम्स टू इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या बोला जाता है, रिलेटिव, नाम से पता चलेगा, रिलेट करके सेल की रेफरेंस करना, मतलब
आपकी पोजीशन फिक्स्ड है और जहाँ से आप इंटर कर रहे हो फॉर्मूला वो भी फिक्स।